मदर इंडिया सात समंदर पार करने वाली भारत की पहली फिल्म। इस फिल्म में सुनील दत्त को उग्रवादी किरदार दिया गया था, पर उनके किरदार की शुरुआत बचपन के साथ होती है, इसलिए ऐसे बाल कलाकार की जरूरत थी जो उग्रवादी किरदार को सही मायने में न्याय दे। इस दरार को बड़े ही आसानी से भरने वाले कलाकार की कहानी आज हम लेकर आए हैं। जी हाँ, साजिद खान। 1957 के साल में किसी भी इंसान को इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी इस छोटे बच्चे को मिली। इतने कम उम्र में बेहतरीन अभिनय करने के हुनर से हर एक इंसान अचंभित हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपको भी साजिद खान के वीडियो का इंतजार था तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। साजिद खान का पूरा नाम साजिद वाजिद खान है। इनका जन्म बेहद ही गरीब परिवार में 23 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ। उस वक्त इनका परिवार पुरानी मुंबई के झुग्गियों में रहता था, जिसे आज चोर बाजार कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका जन्म 28 दिसंबर 1951 को हुआ, पर ये महज झूठी अफवाह है, क्योंकि साजिद खान हर साल अपना जन्मदिन 23 मार्च को मनाते हैं। फिल्मी दुनिया से उनका नाता बस इतना ही था कि उस वक्त नामी स्टंटमैन मोहम्मद हुसैन डगलस साजिद के पिताजी को पहचानते थे। फिल्म जगत में साजिद खान कैसे पहुंचे, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अपने वक्त के महान फिल्मकार महबूब खान 1940 में रिलीज हुई अपनी फिल्म औरत का रीमेक बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सारे कलाकार मिल चुके थे, पर बिरजू के बचपन वाले किरदार को निभाने के लिए महबूब खान को बागी किस्म का बच्चा चाहिए था, जिसकी एक्टिंग असलियत से जुड़ी हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें वैसा बाल कलाकार मिल नहीं रहा था। तंग आकर उन्होंने ये काम अपने असिस्टेंट चिमनकांत गांधी को सौंप दिया। उन्होंने बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लिया, पर फिर भी महबूब खान को वैसा बाल कलाकार मिला नहीं। इसके बाद चिमनकांत ने अपने पहचान वालों को ऐसे बच्चे की तलाश करने की जानकारी दी। कुछ दिन बाद ये खबर मोहम्मद हुसैन डगलस तक पहुंची, जो महबूब खान के साथ काम करते थे। उन्होंने चिमनकांत गांधी से कहा कि उनके पहचान में वाजिद नामक शख्स है, जिसका बेटा इस किरदार के लिए सही बैठेगा। कुछ लोगों का कहना है कि साजिद खान के पिताजी वाजिद भी स्टंटमैन थे, पर उनका नाम इतना प्रसिद्ध नहीं था। पर यह भी सच है कि मोहम्मद हुसैन डगलस के कारण ही साजिद खान को मदर इंडिया फिल्म मिली थी। साजिद खान को पता चलते ही चिमनकांत गांधी ने तुरंत ही उनसे मुलाकात की। उस वक्त साजिद सिर्फ 5 साल के थे। उनके बोलने का तेवर किसी बगावती व्यक्ति से कम नहीं था, इसीलिए चिमनकांत को इस खोज के लिए थोड़ा भी संदेह महसूस नहीं हुआ। उन्होंने साजिद के पिताजी वाजिद को अपने बच्चे को लेकर महबूब खान के ऑफिस आने को कहा। दूसरी ओर महबूब खान को भी यह खबर मिली कि उनके असिस्टेंट को बिरजू के किरदार के लिए बाल कलाकार मिल गया है। अगले दिन वाजिद अपने बच्चे को समय से पहले महबूब खान के ऑफिस लेकर गए। साजिद खान के पहने हुए फटे कपड़े देखकर महबूब खान को उनके टैलेंट पर शक हुआ। पर जैसे जैसे साजिद ने महबूब खान के सवालों का जवाब देना शुरू किया, वैसे वैसे महबूब खान को उनके कलाकारी पर भरोसा होने लगा। इस छोटे से ऑडिशन के दौरान संगीतकार नौशाद भी उपस्थित थे। उन्हें भी साजिद खान पसंद आए। कुछ समय बाद शूटिंग शुरू हुई और नरगिस को भी साजिद पसंद आने लगे। फिल्म में नरगिस ने साजिद खान के माँ का किरदार अदा किया था, इसीलिए साजिद खान हमेशा उन्हें माँ कहकर पुकारते थे। फिल्म गलियारों में ये बात बड़ी फेमस है कि मदर इंडिया के शूटिंग से पहले ही महबूब खान ने साजिद को गोद लिया था, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी सरदार अख्तर से उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने साजिद खान को गोद ले लिया। इस फैसले से साजिद खान को न सिर्फ फिल्म मिली बल्कि उनकी पूरी जिंदगी सवर गई। मदर इंडिया की जबरदस्त कामयाबी के बाद महबूब खान ने सन ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू किया। इस फिल्म में कमलजीत और कुमकुम के अलावा साजिद खान का किरदार भी था, पर अफसोस की बात ये थी कि सन ऑफ इंडिया बुरी तरह से असफल हुई और महबूब खान पूरी तरह से टूट गए।
इस फिल्म के रिलीज के 2 साल बाद यानी 28 मई 1964 को महबूब खान गुजर गए। महबूब खान का अचानक हुआ अंत साजिद खान के करियर के लिए बेहद घातक साबित हुआ, पर अगले कई सालों तक साजिद का नाम बरकरार रहा क्योंकि मदर इंडिया पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। इसी बात के कारण विदेशी फिल्मकारों का रुख साजिद खान की तरफ हुआ। इसके अलावा भी एक और खास बात साजिद खान के साथ थी, सन ऑफ इंडिया तो फ्लॉप हुई पर इस फिल्म का एक गीत आज भी लोकप्रिय है, नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। इस गीत में खुद साजिद खान दिखते हैं। इन दो बातों की वजह से उनके करियर को नई उड़ान मिली और देखते ही देखते साजिद खान हॉलीवुड के एक्टर बन गए। 1966 से लेकर 1968 तक स्टर्लिंग सिलिफन नामक अमेरिकन फिल्मकार ने इंडिया में आकर माया नामक सीरीज का निर्माण किया। इस सीरीज में खुद साजिद खान मुख्य किरदार में थे, उनके साथ दूसरे भारतीय कलाकार भी थे, पर देश विदेश में सिर्फ साजिद प्रसिद्ध हुए। माया इस सीरीज ने हॉलीवुड समेत फ्रांस, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, फिलीपींस और अन्य देशों में भी कामयाबी हासिल की। उत्तरी अमेरिका में साजिद खान इस कदर तक प्रसिद्ध रहे कि उनका नाम 3 आइडल के सूची में आया। विदेशी फिल्मों में सफलता पाने के बाद साजिद ने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया, पर उनकी फिल्में दहशत, डाकू और जवान, मंदिर मस्जिद थोड़े समय के लिए हिट रही, पर इसका थोड़ा भी फायदा साजिद को हुआ नहीं। साजिद खान की कामयाबी का सफर सिर्फ उनके बचपन तक सीमित रहा, जैसे कि अन्य बाल कलाकारों के साथ हुआ। बाल उम्र में मिली सफलता जवानी के दिनों में असरदार नहीं रही। ऐसा ही कुछ साजिद खान के साथ हुआ, पर 80 के दशक तक भी वो बहुत लोकप्रिय थे। हिंदी फिल्में तो फ्लॉप हुई पर इंग्लिश फिल्मों में वो तब भी चलते थे, पर एकाएकी उन्होंने अभिनय से संन्यास लिया और मिली हुई सफलता को अर्जित करते हुए दूसरे क्षेत्र में चल पड़े। 1983 की हॉलीवुड फिल्म हिट एंड डस्ट उनकी आखिरी फिल्म थी। उनके पर्सनल जीवन पर चर्चा की जाए तो पता चलेगा कि महान अभिनेत्री रेखा के साथ उनका अफेयर बहुत चर्चा में आया था, पर जल्द ही उनकी मुलाकात उनकी होने वाली बीवी से हुई और रेखा के साथ उनका रिश्ता टूट गया। उनके पत्नी का नाम तो पता नहीं पर उनके बेटे का नाम समीर है। कहा जाता है कि 1990 में उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर ज्वेलरी क्षेत्र में आए। आज के दौर में साजिद खान मुंबई में चैन भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और फिल्म जगत से दूरियां बनाए हुए हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।